कपि रक्षार्थ स्वयं रघुराई। शिव से विनती करें अकुलाई, अंज नमाई करे शिव वंदन। पुत्र मोह मह खोटा क्रंदन। सिया राम जय हनुमान। पवन तनय की रक्षा लाए, भोलेनाथ कपि मह समाए। रुद्र हो जब रुद्रांश के संगी, के हानि पहुँचे बजरंगी। सिया राम जय हनुमान। ये गाथा महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। हनुमान माता, माता, भोलेनाथ, मेरे पुत्र की रक्षा करने के लिए मैं सदैव आपकी कृतार्थ रहूंगी। अनुचित है ये, घोर पक्षपात है। महादेव, आपने हनुमान की रक्षा के लिए अपने ही वरदान को भंग कर डाला, पक्षपात किया है मेरे साथ। घोर कपट किया है महादेव, अन्याय है ये, अन्याय। मैंने कोई पक्षपात या कपट नहीं किया। कपटी तो तुम राक्षस हो, जो तपस्या कर हमसे मनोवांछित वरदान लेकर हमारे ही विरुद्ध उनका प्रयोग करते हो। कदाचित वरदान लेते समय तुम भूल गए थे कि हनुमान मुझसे पृथक नहीं, मैं रुद्र हूं, तो मेरा रुद्रांश है वो, मेरा अस्त्र, मेरे ही अंश का हित भला कैसे कर सकता है। ये वरदान मैंने कोई भिक्षा में प्राप्त नहीं की महादेव, घोर तप करके प्राप्त किया है मैंने ये वरदान। घोर तप, जिसका प्रयोग अपनी इच्छा अनुसार करने का अधिकार है मुझे। यही तुम राक्षसों का दुर्भाग्य है, सदैव मुझसे धन और शक्ति मांगते हो। तुम वरदान प्राप्त करते समय तुमने शिव से शिव के त्रिशूल को मांगा, शिव को नहीं। और हनुमान को देखो, इसने सदैव अपने प्रभु को अपने हृदय में रखने की ही इच्छा रखी, और जिस भक्त के हृदय में उसके प्रभु का वास हो, उसका अहित तो कोई नहीं कर सकता। महादेव, आपके ये अर्थहीन वचन नहीं सुनना चाहता मैं। सत्य तो ये है कि आपने मुझे कभी वरदान दिया ही नहीं, नहीं दिया। पुत्र, पहले माँ की ममता
और फिर स्वयं भोलेनाथ का अपमान करने वाले इस दुष्ट असुर को जीवित रहने का कोई अधिकार नहीं। इसका पाप हिरण्यकश्यपु से कम नहीं, जिसने स्वयं भगवान विष्णु को अपमानित करने का दुस्साहस किया था। कदाचित विद्युन्माल ही वध करेगा इस मरकट का। मेरी माता को दुख देने के लिए ये मेरे मित्रों और सहयोगियों को भयभीत करने के लिए भोले बाबा को विवश करने के लिए। ये मेरे प्रभु श्री राम के कार्य में बाधा उत्पन्न करने के लिए। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता हनुमान। मैं तुम्हें विजयी कदापि नहीं होने दूंगा, कदापि नहीं। इस माँ की ममता से उत्पन्न ये वचन सुनो, अंत मेरे पुत्र का नहीं तुम्हारा होगा। माता के अपमान को होते पुत्र कपि सम किस विध देखे, दुष्ट दनुज संहार के लाए, नरसिंह रूप में हनुमत आए। विधुन मालिका करी अंता, पवन तनय बलशाली अनंता, पुष्कल शत्रुघ्न रघुराई, जो देखी अचरज मह समाई। गाथा महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। ब्रह्मांड की अतल गहराइयों में छिपे असुरो, तुम्हारा आवाहन करता है निकुम। तो ब्रह्मांड के कोने कोने से भांति भांति के भयंकर असुर उत्पन्न होकर हनुमान जी की ओर बढ़ रहे हैं। कौन है ये भयंकर असुर?
माता, ये कुंभकर्ण का पुत्र मायावी निकुंभ है। जाओ, उस अश्व का अंत कर दो। उसके अंत के साथ रामराज्य की स्थापना की संभावना का भी अंत कर दो। अश्व का अंत होगा उधर, हनुमान मिटेगा इधर। विकृत सोच स्थापित होगी सर्वत्र। हमें सावधानी से इस दुष्ट का सामना करना होगा पुष्कर। अरे, ये तो भयभीत कर देने वाली शिव ओंकार है। ऐसा भयानक रूप। आओ दुष्टों, आज जितने भी राक्षस बच गए थे उन सब की मृत्यु होगी। हाँ पुष्कल, शेष राक्षसों का संहार आज होगा। मुझे अपने पुत्र के बल पर पूर्ण विश्वास है। अधर्मियों का काल है मेरा हनुमान। तुम्हें ज्ञात भी नहीं हो पाएगा हनुमान, तुम्हारी हुंकार मृत्यु की चित्कार बन जाएगी। हनुमान, पीछे मुड़कर देखो पुत्र। निकुंभ, बहुत हो गया तुम्हारा उपद्रव, अब तुम्हें जीवित नहीं छोड़ूंगा मैं। इससे पूर्व कि ये वानर मेरे लिए संकट बन जाए, इसका ध्यान यहां से हटाना होगा। रक्षवीरों, आगे बढ़ो। हनुमान के वहां पहुंचने से पूर्व राम के अश्व का अंत कर दो। निको, ध्वनि मात्र से सब संहारी। सातहु लोक हुंकार गुंजाई, हत प्रभ देव मनुज हो आई। रुद्रांश हनुमान, तुम्हारे हुंकार ही पर्याप्त है पापियों की आत्मा को देह से विलग करने के लिए। ऐसी भयानक पुकार, इससे तो मैं भी शक्तिहीन हो रहा हूं।
पुत्र हनुमान का क्रोध तो बढ़ता ही जा रहा है। हनुमान की देह में स्थित रुद्र के महासंगारी त्रिशूल के तेज ने ही रुद्रांश हनुमान को रौद्र रूप धारण करने पर विवश कर दिया है। दृष्टि के लिए विनाशकारी है। आश्चर्य है, सदा सौम्य रहने वाले हनुमान जी इतने क्रोधित कैसे? ऐसा क्रोध तो विनाशकारी होता है। अकस्मात इतना अधिक शीत, हनुमान के कोप से सृष्टि उथल पुथल हो रही है। ये क्या, सूर्य देव का आकार अकस्मात छोटा क्यों हो रहा है? सूर्यदेव छोटे नहीं हो रहे हैं, हनुमान की रौद्र हुंकार इतनी बलवती हो उठी है कि धरती को सूरज से दूर धकेल रही है। धरती अपनी कक्षा से विचलित होकर पीछे की ओर जा रही है, कहीं बृहस्पति ग्रह से टकरा गई तो अनर्थ हो जाएगा। हाँ देव, सृष्टि नष्ट हो जाएगी, धरती के टुकड़े हो जाएंगे। हनुमान के इस महाक्रोध को रोकने के लिए किसी न किसी को हनुमान की सहायता के लिए आगे आना होगा। हनुमान का ये क्रोध तो सृष्टि का विनाश कर देगा। हनुमान शांत हो जाओ पुत्र, अपने क्रोध को नियंत्रित करो, अन्यथा संसार से जीवन ही विलुप्त हो जाएगा। जगत के संकट मोचन हो तुम हनुमान, जगत को संकट में मत डालो पुत्र। शांत हो जाइए हनुमान जी, अपने क्रोध को त्यागिए, अन्यथा अनर्थ हो जाएगा। भक्त जितना सौम्य होता है उसका कोप उतना ही प्रलयकारी होता है। अब इस भक्त का कोप अपने भगवान के दर्शन करके ही शांत होगा। अब महादेव क्या करने जा रहे हैं? नियंत्रित हो गया है हनुमान का ये क्रोध, न जाने अब ये शांत होगा भी या नहीं। हनुमान के क्रोध को शांत करने में महादेव अवश्य ही सफल होंगे। बजरंगी आवेशित क्रोधित, देख जिसे सृष्टि स्तंभित। तब शिव वक्ष पे छब दिखलाई, सुंदर शांत सहज रघुराई। राम सिया राम जय हनुमान, जाके तरस से हम मेरे प्रभु श्री राम। क्रोध के वेग प्रबल से उबरे, भूमाता पाई भय से मुक्ति। जय कपीश की भक्ति। राम सिया राम जय हनुमान, राम सिया राम सिया राम जय हनुमान। राम मेरे प्रभु श्री राम। हनुमान के मुख से प्रभु श्री राम के नाम का उच्चारण होते ही इनके क्रोध से उत्पन्न होने वाला विध्वंस रुक गया। आज ये संसार भी प्रत्यक्ष रूप से जान जाएगा कि रुद्र और रुद्रांश दोनों ही के हृदय में श्री राम विराजते हैं। भोले बाबा आपको कोटि कोटि धन्यवाद। ओम
आपने प्रभु के दर्शन करा के मेरे कोप को शांत किया। अन्यथा मेरे कारण बहुत बड़ा अनर्थ हो जाता। हनुमान, तुम्हारी ये प्रलयकारी हुंकार तो विधि का विधान थी पुत्र। विधि का विधान? ये आप क्या कह रहे हैं भोले बाबा? ये सत्य है पुत्र। तुम्हारे हुंकार मात्र से असुरी शक्तियां अपने अंत को प्राप्त हो गई। संसार से पाप एवं अधर्म का नाश हो गया है। हनुमान, तुम्हारे इस अद्भुत प्राकरण के कारण संसार तुम्हें हुंकार हनुमान के नाम से भी जानेगा, एवं जो भी तुम्हारी हुंकार स्तुति से आराधना करेगा वो समस्त आसुरी शक्तियों से मुक्त हो जाएगा। उसके बड़े से बड़े संकट टल जाएंगे। मैं इसके लिए आपका कृतज्ञ हूं भोले बाबा, किंतु आप एवं समस्त देवी देवता मुझे इतना ही आशीर्वाद दें कि मेरे प्रभु श्री राम का अश्वमेध यज्ञ सफलता के साथ पूर्ण हो जाए। तथास्तु। हनुमान, अब तुम्हें भी तो मुझे कुछ देना है। आश्चर्य है, प्रभु मेरे पुत्र से क्या प्राप्त करना चाहते हैं? भोले बाबा तो समस्त जगत के स्वामी हैं, सबका मनोरथ पूर्ण करने वाले हैं, फिर मुझसे क्या चाहिए इन्हें? क्या मांग रहे हैं भोले बाबा मुझसे? भक्त और भगवान दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं। कोई सच्चा भक्त जब ईश्वर के ध्यान में होता है तो उस समय ईश्वर भी अपने भक्त के निकट ही होते हैं।